नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको फूड लाइसेंस को रिन्यू आप कैसे कर पाएंगे, इसकी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको आज आना है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम फॉसकॉस वेबसाइट पोर्टल पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो रिन्यूअल की प्रोसेस जो है बहुत ही ईजी है, लगभग 2 मिनट से भी कम समय में आप अपना जो लाइसेंस है उसे रिन्यू कर सकते हैं और लगभग 24 घंटे में आपका लाइसेंस जो है जनरेट भी हो जाता है। तो चलिए थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्लाई लाइसेंस फर्स्ट नंबर पर जो है अप्लाई लाइसेंस है, सेकेंड में मॉडिफिकेशन है। अगर कोई गड़बड़ी है आपके लाइसेंस में, सुधार करना चाहते हैं, तो सेकेंड वाला मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है। और थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है रिन्यूअल फीस, इस पर आपको क्लिक कर देना है लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 180 दिन पहले से लेकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा तो अभी 2 ही दिन बचे हैं एक्सपायर होने में, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। जो भी लाइसेंस नंबर है आपका या रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट में है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों सबमिट करने से पहले वैलिडिटी ऑफ एंड डेट यहां पर ज़रूर आपको डाल देना है। यहां पर आप देख सकते हैं इशू डेट और वैलिडिटी अप टू वैधता दिनांक, ये दोनों ही आपको सर्टिफिकेट में लिखी हुई हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर जो वैलिडिटी है अभी मेरी 31 मार्च तक की वैलिडिटी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वैलिडिटी डेट और कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लाइसेंस की जो डिटेल है वो यहाँ पर दिख जाएगी, कंपनी का नाम या जो भी आपका इंडिविजुअल है तो उसका नाम आपको दिख जाएगा और एड्रेस दिख जाएगा। अगर ये डिटेल आपकी सही है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और ये एक पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और इससे आपको सबसे नीचे आ जाना है। ये पूरा फॉर्म आपका सब चीज़ कंप्लीट है, पहले से भरा हुआ है, बस आपको ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को दिखा रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि कितने साल के लिए आपको ये लाइसेंस रिन्यू कराना है। 1 साल की फ़ीस जो है ये 12 लाख से कम टर्नओवर वाला है, तो 100 रुपये जो मिनिमम फ़ीस होती है वो है, और मैं यहाँ पर 5 साल के लिए रिन्यू करूँगा तो यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस कटेगी। तो चलिए, डिक्लेरेशन पर चेकबॉक्स पर आपको टिक कर देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको पेमेंट कर देना है और बहुत ही सिंपल फॉर्म है, यहाँ पर ये आपका रिन्यू हो जाएगा। तो चलिए, मैं पेमेंट भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं पे यू बिच से कर रहा हूँ या रोजर पे से ही कर देते हैं, किसी से भी आप पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो चलिए एक बार प्रीव्यू एप्लीकेशन को देखेंगे और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देंगे, और चूँकि हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से ही सही था इसलिए सीधे पे नाउ पर ही क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट करूँगा, UPI बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डाल देनी है, और पे नाउ पर क्लिक करना है। एक बार तो दोस्तों, आपके मोबाइल पर जो लिंक आएगी और उससे आपको ओके कर देना है और पेमेंट कर देना है उस लिंक से, जिस भी वॉलेट में आपने भेजा है लिंक। मैंने यहाँ पर फ़ोन पे में भेजी थी, उसके थ्रू मैंने यहाँ पर पेमेंट की है और ये रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और लगभग 2-3 घंटे बाद ही आपका जो है लाइसेंस यहाँ पर आपकी मेल ID पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, ये थी प्रोसेस रिन्यूअल की। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं ज़रूर। धन्यवाद।